के साथ बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार जॉर्ज कोरियन आज नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ विधानसभा पहुंचेंगे जॉर्ज कुरियन। और कुरियन मोदी कैबिनेट में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी विभाग के राज्य मंत्री हैं। और आपको बता दें कि गुना से लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद जून में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा सीट छोड़ दी थी और सिंधिया के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। और इस सीट पर अब जॉर्ज कुरियन राज्यसभा जाने की तैयारी में है और कुरियन का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जॉर्ज कुरियन को अपना उम्मीदवार बनाया है और विधानसभा में अच्छी खासी संख्या बल होने के चलते अब उनका चयन होना लगभग तय माना जा रहा है निर्विरोध तरीके से। अब हालांकि चूंकि अभी जो औपचारिक प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाना बाकी है, ऐसे में जॉर्ज कुरियन राज्यसभा के सदस्य होंगे और कैबिनेट के तो वे मंत्री हैं ही, क्योंकि जिस सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद सीट को खाली किया गया उस सीट को अब जॉर्ज कुरियन ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, आज क्या कुछ औपचारिकताएं होनी है जॉर्ज कुरियन के नामांकन को लेकर? देखिए बिल्कुल, जॉर्ज कुरियन केंद्रीय मंत्री और उनके नाम को लेकर कल ही बीजेपी की अंतिम सहमति बन गई थी और आज नामांकन के लिए वो करीब 12 बजे बीजेपी कार्यालय सभी नेता एक पहुंचेंगे। यहाँ पर एक बड़ी बैठक है, चुनाव टीम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी समेत तमाम नेताओं के साथ वो विधानसभा पहुंचेगी और विधानसभा में फिर जो नामांकन की पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। तो जॉर्ज कुरियन को लेकर जो लगातार संभावना थी, क्योंकि दो केंद्रीय मंत्री थे जिन्हें राज्यसभा में भेजा जाना था और केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की जो सीट खाली उस पर जॉर्ज कुरियन का नाम तय हुआ। जॉर्ज कुरियन केरल से है और वहां पर महासचिव भी रहे हैं और लंबे समय से संगठन में भी रहे हैं, तो निश्चित ही लंबे समय एमपी को एक बार फिर से दिल्ली के किसी केंद्रीय नेता को एडजस्ट करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये भी कवायद चल रही थी कि किसी स्थानीय नेता को भी मौका दिया जा सकता है। हालांकि जॉर्ज कुरियन के आने के बाद अब एमपी में एक और केंद्रीय मंत्री हैं जो सीधे मध्यप्रदेश की बातें वहां उठा सकेंगे राज्यसभा में, तो उनके नाम का सहमति होने के बाद ही नामांकन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद ये केवल एक औपचारिकता ही रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं कर रही। इस कारण जॉर्ज कुरियन जो आज नामांकन भर देंगे और 3 सितंबर को इनके नतीजे घोषित हो जाएंगे, उसी दिन मतदान होना है, लेकिन औपचारिकता के बाद आज साफ हो जाएगा कि मध्यप्रदेश राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज बड़ी बैठक होनी है, दरअसल सदस्यता अभियान को लेकर आज ये बैठक होनी है। पार्टी आज से सदस्यता को लेकर टारगेट देगी, एमपी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। आज सदस्यता को लेकर एक टारगेट जो सेट किया गया है उस पर काम किया जाएगा, सदस्यता अभियान को लेकर बैठक होगी। और इससे पहले ये बैठक राजधानी में भी हुई थी जिसमें कि प्रदेश के अध्यक्ष और साथ ही प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहे, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों के प्रदेश प्रभारी और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग में मौजूद थे। और अब सदस्यता को लेकर एक टारगेट सेट किया गया है जिस पर आज मीटिंग होनी है। बीजेपी कार्यालय में आज बड़ी बैठक होगी, सदस्यता अभियान को लेकर ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश में 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का तबादला हुआ है। आपको बताते चलें कि अनुपम राजन को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं पीएस सुखबीर सिंह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं। मंडी बोर्ड आयुक्त श्रीमन शुक्ला बने और शेड्यूल कमिश्नर बीएस जामोद बनाए गए। शेड्यूल कमिश्नर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर अब सिर्फ रीवा के कमिश्नर होंगे बीएस जामोद। दरअसल कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से प्रमुख सचिव अमित राठौर को नई जिम्मेदारी दी गई, वित्त विभाग के नए ये प्रमुख सचिव होंगे। और अमित राठौर मेट्रो कॉरपोरेशन के एमडी सीबी चक्रवर्ती को भी अब हटा दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त की
जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। तो 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले की मिल रही जानकारी, डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे। मध्य प्रदेश शासन में 9 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। खबर सीधी से, जहां पर एक महिला ने सोन नदी में पुल से छलांग लगा दी। रास्ते में पति से नोकझोंक हुई थी, महिला को बचाने पति भी छलांग लगाया। सोन नदी के तेज बहाव में महिला बह गई, मौके पर मौजूद लोगों ने पति को बचा लिया। और दरअसल नदी में अभी महिला की तलाश की जा रही है और रास्ते में पति के साथ किसी बात को लेकर पत्नी का विवाद हुआ और इस विवाद के चलते गुस्से में महिला ने नदी में छलांग लगा दी और इसके बाद पति ने पत्नी को बचाने की कोशिश के लिए उसके पीछे छलांग लगा दी, लेकिन महिला का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, जबकि महिला के पति को बाहर निकाल लिया गया था। और अब खबर है अनूपपुर से, जहां ट्रक में तेज रफ्तार बाइक घुस गई है। दरअसल बाइक सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा शख्स गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में भर्ती कराया गया है। कोतमा पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल कर रही है और दुर्घटना में एक शख्स की जान चली गई थी, जबकि जो बाइक सवार दूसरा शख्स था उसकी अभी हालत गंभीर बनी हुई है। कोतमा के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि दुर्घटना का जो प्रमुख कारण है वो रात के अंधेरे में ट्रक के न दिखाई देने की वजह से ये लापरवाही हुई और ऐसे में इस दुर्घटना में एक शख्स की जान चली गई, जबकि दूसरा बाइक सवार शख्स घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आरक्षण में कोटा के विरोध आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है। इस फैसले का मकसद सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देने को प्राथमिकता देना है, लेकिन अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। भारत बंद को देखते हुए मध्य प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आज भारत बंद के आह्वान को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल जुलूसों और जलसों में हथियार, डंडे, पेट्रोल ले जाना बैन किया गया। रैली प्रदर्शन में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और आपको बता दें कि एससी के कोटे में कोटा निर्देश के विरोध में बंद अनुसूचित जाति वर्ग और संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध हो रहा है और इसको देखते हुए मध्य प्रदेश में सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ग्वालियर में कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी हुए हैं, किसी भी तरीके का कोई डीजे नहीं बजेगा और कोई जुलूस या रैली अगर निकल रही है तो इसमें हथियार, डंडे, पेट्रोल लेकर जाने पर बैन है। और अब खबर दुर्ग से है, जहां टीवी चैनल बदलने को लेकर दोस्तों में विवाद हो गया। दोस्त ने दोस्त को लाठी से पीट कर घायल कर दिया। आपको बता दें कि जरा सी बात को लेकर हुआ विवाद, यहां जान पर बनाई बात। दरअसल घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और बात जो विवाद का है वो एक जरा सी बात पर शुरू हुआ, जिसमें कारण ये बताया जा रहा है कि टीवी चैनल बदलने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था और फिर बात बहस और फिर मारपीट तक आ पहुंची। इस दौरान लाठी से, डंडे से अपने ही दोस्त पर हमला करने वाले दोस्त को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बढ़ते आगे, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल
लेबर वार्ड में मेल गार्ड की ड्यूटी लगाए जाने के बाद इस बात को लेकर शिकायत की जा रही है। महिला के परिजनों ने हंगामा कर दिया, हंगामे का वीडियो भी सामने आ गया है। प्रभारी सीएमएचओ ने आरोपों को खारिज कर दिया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां लेबर वार्ड में एक मेल गार्ड की ड्यूटी लगाई गई और मेल गार्ड की जब ड्यूटी लगाई गई तो इस बात से जो महिला के परिजन हैं उन्हें गुस्सा आया और उन्हें हंगामा काटा। हंगामे का वीडियो भी सामने आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि जो प्रभारी सीएमएचओ हैं उन्होंने आरोपों को खारिज कर दिया है। रतलाम में एक बेकाबू ट्रक का कहर नजर आया है। तेज रफ्तार ट्रक ने रोड पर चलते चलते एक ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी और ये टक्कर कितनी भीषण थी तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जबरदस्त टक्कर लगने के बाद ट्रक चालक वहां रुका भी नहीं। आप देखिए ये तस्वीरें और ट्रक पूरी तरह से टक्कर मारकर आगे बढ़ गया और ट्रैक्टर पलट गया। दरअसल ये ट्रैक्टर फोर लेन पर ही दो बार पलटकर ट्रॉली के साथ यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रतलाम के महू नीमच फोर लेन पर हिमालय स्कूल के पास ये घटना हुई, जो स्कूल के बाहर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई और टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक तेज गति से ट्रक लेकर वहां से फरार हो गया। इस घटना में ट्रैक्टर चालक सहित एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से ट्रैक्टर पूरी तरह से पलट गया, चूंकि ट्रक बहुत ही तेज गति में था, अपेक्षाकृत जिस तरह की अमूमन ट्रक की गति होनी चाहिए, और संभवतया ट्रक चालक का जो ध्यान सड़क पर होना चाहिए था अंशिका, वो सड़क पर ना होने की वजह से ये दुर्घटना की तस्वीर देखकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल, और देखकर ऐसा लग रहा है मानो कि ट्रक ड्राइवर को नींद आ गई थी क्या, या ट्रक ड्राइवर का ध्यान नहीं था, क्योंकि जहां तक कि देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर नॉर्मल स्पीड में है और पीछे से ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी और उसके बाद ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए हैं। हालांकि ये जो हादसे हैं ये सावधान कर देने वाले हैं कि अगर आप इस तरह कहीं पर भी हाईवे पर जा रहे हैं तो ये देखकर चलिए कि आपके आगे पीछे कौन सी गाड़ी चल रही है, क्योंकि आप भले ही सही जा रहे हो लेकिन आपके पीछे जो भी वाहन चालक है उसका ध्यान कहाँ है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। घटना की जो लाइव तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं और पास में एक स्कूल भी था जिसके सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है, ये पूरी घटना कैद हुई है। ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। खबर गरियाबंद से, जहां गरियाबंद में बाइक सवार ने टक्कर मारी, होटल के मैनेजर को यह टक्कर मारी गई। होटल से घर जा रहा था मैनेजर, हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। हादसे के बाद बाइक सवार फरार है, आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये देखिए तस्वीर, जहां गरियाबंद से तस्वीर सामने आई है और देखिए बाइक सवार ने होटल के मैनेजर को टक्कर मारी है। काफी स्पीड से ये जो बाइक सवार है वो काफी तेजी से आ रहा था और अचानक से उसने इतनी तेज टक्कर मारी होटल के मैनेजर को कि होटल का मैनेजर कई मीटर दूर जाकर गिरा। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है और बाइक सवार मौके से फरार है, आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एकदम झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं और इसलिए सावधान रहिए। अंशिका तस्वीरों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दुर्घटना का जो कारण है बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर हड़बड़ी में जिस तरह से होटल मैनेजर रोड क्रॉस करने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं और अब चूंकि बाइक की भी स्पीड काफ़ी तेज थी, अपेक्षाकृत जहाँ पर पब्लिक का इस तरह से सड़क पर आना जाना हो वहाँ पर किसी भी वाहन चालक को नियंत्रण में होकर अपनी वाहन की गति को बढ़ाना चाहिए या फिर यूँ कहा जाए कि नियंत्रित रखना चाहिए, अन्यथा इस तरह की दुर्घटनाएँ परेशानी का कारण बनती है। और अब खबर सिवनी से है, जहां धूमा थाने के नागन देवरी गांव में ग्रामीणों ने अवैध देसी शराब ले जाते हुए एक वाहन को पकड़ लिया। दरअसल ग्रामीणों ने शराब ठेकेदार पर इलाके में गांव में अवैध शराब की सप्लाई करने का आरोप लगाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़ी गई अवैध शराब की बोतलों को
फोड़कर नष्ट कर दिया और ग्रामीणों के शराब नष्ट करने का एक वीडियो भी सामने आया। और घटना के बाद मौके पर आबकारी और पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन मौके पर लोग और नष्ट की गई शराब नहीं मिले। फिलहाल पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और जबलपुर के कचपुरा रेलवे स्टेशन के नजदीक पैसेंजर ट्रेन को डीरेल करने की एक साजिश का भांडाफोड़ हुआ। यहाँ ट्रैक पर लोहे के रॉड बिछाए गए थे। नैनपुर पैसेंजर ट्रेन को गिराने की साजिश की आशंका जताई जा रही है। जैसे ही ट्रैक पर लोहे के रॉड बिछाने की सूचना मिली, रेल अधिकारी और आरपीएफ के ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और आरपीएफ ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल आरपीएफ जबलपुर और आरपीएफ एसईसीआर की ओर से जांच की जा रही है। रेलवे ट्रैक पर किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करना ये एक दंडनीय अपराध है और इस तरह का कोई भी कृत्य यदि कोई करता पाया जाता है तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, अर्थदंड भी है। ऐसे में ये जो पूरा मामला सामने आया, हालांकि वक्त रहते उस साजिश को नाकाम कर दिया गया, लेकिन कई लोग इसे शरारतवश कर दिया करते हैं, तो इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के कृत्य करने से बचें। पूरा स्टेशन के समक्ष एसईसीआर के जुरिस्डिक्शन में लोहे की रॉड जो कि ट्रैक पर पड़ी हुई थी उससे इंजन के टकराने की घटना सामने आई। इस घटना के उपरांत आरपीएफ जबलपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए इस घटना को संज्ञान में लिया गया, केस दर्ज किया गया एवं इस घटना की कि किस किसके द्वारा यहाँ रॉड रखी गई थी, किस इंटेंशन से रखी गई थी, इसकी जांच आरपीएफ जबलपुर एवं आरपीएफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। भोपाल में मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है। एनएचएम ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले 14 अगस्त को डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को पब्लिक इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया और इन दिनों मंकी पॉक्स से कई पीड़ित अफ्रीका में मिले हैं। वहीं भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस 14 जुलाई को सामने आया था और मंकी पॉक्स से बचाव के लिए और इसे सावधानी बरतने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री भी उसकी देखी गई थी और साथ ही स्वास्थ्य महकमे के पास इसके लिए उचित प्रबंध हो इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब इसके संबंध में एडवाइजरी जारी की है। और मंकी पॉक्स को लेकर जो मामले अब तक सामने आए हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और ये और ज़्यादा न फैले इसके लिए भी प्रयास स्वास्थ्य महकमे की तरफ से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा और मध्य प्रदेश में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 14 या 27% आरक्षण का फैसला लिया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की ट्रांसफर याचिका, सभी पक्षकारों और एमपी सरकार को नोटिस भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच अब मामले की सुनवाई करेगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट अब फैसला लेगा। एमपी में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट पर ही सबकी निगाहें टिकी हैं। 14 या 27% आरक्षण पर फैसला लिया जा सकता है। मोहन कैबिनेट ने मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसके तहत अब नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ 3 साल के पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव के लिए 3/4 पार्षदों का होना भी जरूरी है। इसके अलावा कैबिनेट ने मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चों को शिक्षा देने पर कार्रवाई के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यानी गैर मुस्लिम बच्चा अगर मदरसों में जाता है तो उसे अभिभावकों की परमिशन लेनी, वो भी लिखित परमिशन लेनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी, वरना इस पर कार्रवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन अध्यादेश में धारा 43 का में संशोधन किया गया है। नगर पालिका एवं नगर परिषदों में जो निर्वाचित अध्यक्ष जो पार्षदों के माध्यम से निर्वाचित होते हैं उसके अविश्वास जो 2 वर्षों के बाद लाया जाता था उसमें परिवर्तन करते हुए अब 3 वर्ष कर दिया गया है। 3 वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और 2/3 पार्षदों
के द्वारा जो विरोध में जब आते थे तो अध्यक्ष हट जाते थे, अब 3/4 पार्षद होने चाहिए यदि अविश्वास प्रस्ताव को सफल करना है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि 3 साल तक करने के मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने कहा है कि बीजेपी हमेशा तानाशाही को बढ़ावा देती है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा कि बीजेपी हमेशा विकास के काम को बढ़ावा देती है। रही बात कांग्रेस के विरोध की, तो ये उनकी पुरानी आदत है और हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। ये ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा से लेकर नगर पालिका तक तानाशाही रवैया अपना रही है और साफ साफ दिख रहा है। ऊपर लोकसभा में भी देखेंगे कई विधेयक ला रहे हैं, कई बिल ला रहे हैं और फिर वापस भी ले रहे हैं। अभी तक इतने छोटा सा अल्प समय निकला है सरकार का, उसमें मोदी जी ने कितने बिल वापस ले लिए, यहाँ पर भी वही मतलब नगर पालिका उसमें भी आप लेके आ रहे हैं नगर पालिका में भी कि तानाशाही दिखाना है, दादागिरी दिखाना है, गुंडागर्दी दिखाना है, तो ये दिखाता है ये तानाशाही वाली सरकार है। स्थानीय निकाय के प्रजातंत्र के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय आज हमारी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके निर्णय देने का काम किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद इस बात का है कि उन्होंने नगरी निकायों के अविश्वास प्रस्ताव के कानून में अमूलचूल परिवर्तन करके और उसको और अधिक सुविधाजनक बनाने का काम किया है। अब 3 वर्ष का उसका अवधि करने का काम किया है और बहुमत भी 3/4 करने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये आज का अमेंडमेंट जो है स्वागत योग्य है। और इसी के साथ